भागलपुर नगर निगम प्रशासन और महापौर सीमा शाह और उसके पति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह की मिलीभगत से नगर निगम की राशि महापौर और उनके पति के निजी कर्मचारियों को बरसों से उनके खाते पर दिए जाने को लेकर भागलपुर की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरासर नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से लूट का मामला प्रतीत हो रहा है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि लगभग पिछले एक वर्ष से भागलपुर में प्रभारी नगर आयुक्त के रूप में प्रफुल्ल चंद्र यादव कार्यरत हैं, जिनके कार्यकाल में लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत मिल रही है। तुरंत राज्य सरकार और नगर विकास विभाग स्थायी नगर आयुक्त की नियुक्ति करते हुए दोषी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। वहीं इस मामले पर भागलपुर नगर निगम के महापौर राजेश वर्मा ने पूरे मामले पर महापौर को सामने आकर अपना पक्ष रखने की बात करते हुए नगर विकास मंत्री और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधि को सजा दिलाई जाने की वकालत की है। आप पूरा शहर विश्वास करता है कि आप नगर आयुक्त हैं, कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन अगर इस तरह का अनियमितता बोले वित्तीय अनियमितता होगी कि जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खाते में पैसा जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके भी सर शक्ति उनकी आ रही है। तो हम चाहते हैं सर कि आप खुद से आगे बढ़ के इसका निष्पक्ष जाँच कराएं, जो दोषी हो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करें। तीसरी बात सर, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं अन्य विभागों में, आपका जैसे डीएम कार्यालय हो गया, कमिश्नर में हो गया, नगर आयुक्त आवास में हो गया है या और अन्य जगह पे है, वहाँ पे नगर निगम के सफाई अधिकारियों को दिया गया है 100 से लगभग 100 के आसपास का। अरे आपकी जो आपत्ति थी आपने हम तक पहुँचाया, आप सही रास्ता करते हैं, आपको जनता तक पहुँचता है तो नियम संगत करा रही है। आपने जानकारी मीडिया पेपर के माध्यम से जानकारी आई, को देख रहे हैं हमको क्या करना है, आपकी मांग को निगरानी है, निगरानी को हम कर सकते हैं। आप विभाग में जो भी होगा हम आपको संभव प्रयास करेंगे, विभाग का इस बार जो शिक्षण विभाग को लेना हो, जो भी लेना होगा हर समय प्रयास करेंगे। मोदी का आपको समय दिया काम निकलेगा, इस स्तर से कौन कार्रवाई हो सकती है। आप स्वतंत्र होकर संचिका देखिए सर एक मिनट, लेकिन आपके संचिका को बाधित कर देगा अगर आप उसको नहीं हटाइए। बाकी सब लोग क्या करेगा, कोई स्टाफ नगर नहीं हम होगा, बाकी बाधित करने का प्रयास करेगा तो खुद बाधित हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं अभी जितने स्टाफ का नाम आ रहा है, चर्चा आ रहा है, संजाव उसको कह रहा है कि एफिडेविट करवा के ले उससे। संजाव एफिडेविट होगा आज के डेट में होगा, छह महीने पहले नहीं होगा, उसका कहीं चिंता करते हैं। इसलिए जो कागज में है कागज मरता नहीं है, इसलिए एफिडेविट करे जो भी करे वो आज के डेट में होगा। आपकी किले बहुत पुराना है, हारे हुए मिनट का मामला है, उस समय फिर नहीं करेगा वो, अब दो तीन दिन में होगा देख सकते हैं। एग्जैक्ट बताइए दो तीन दिन में नगर निगम का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए पहले एडवांस लिखना पड़ता है। बता दें दो तीन दिन तो कम मांग रहे हैं आपको, दो तीन दिन हमको दीजिए ताकि उसके लिए हम देखें इस मामले को कहाँ तक हम भेज दें, जो जिससे न्याय मिल जाए आपको ठीक ना, उसको हम देख लेते हैं। संधि का हमें दो दिन का मौका दीजिए, हम देख लें उसके बाद आपको फैनल करेंगे मौका कहाँ हो जाएगा क्या करना रिहान का इसी दिन में ना, दो तीन दिन मौका दे रहे हैं हमको, फाइल देख लीजिए ना, फाइल देख लीजिए। 24 घंटा का टाइम समझ लीजिए आपको, उसके बाद हम करेंगे आपसे बात। 24 घंटा में सर आप फाइल सीधा हो जाए ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, एक बार जा सकता है बताए जो ठीक भी है, फिर आज के डेट में रहा है, फिर तो नहीं होता, समझ गए ना उसमें। अरे सर संजय भी हमरे हैं, बताइए आप लोग नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए हैं। नगर आयुक्त से मिलने के लिए गए, एक पार्षद को अपने वार्ड का सफाई के लिए जो गरीब जनता पैसा देती है, जो सफाई चाहती है नगर निगम से, एक उम्मीद रखती है कि हम टैक्स दे रहे हैं और हमको सफाई चाहिए, उसके लिए पार्षद जब नगर आयुक्त के पास या बोर्ड में पास कराने जाता है तो 2 लेबर या 1 लेबर बढ़ाने के लिए साल साल भर घसीटना पड़ता है चप्पल, उस पर भी लेबर नहीं बढ़ता है क्योंकि यहाँ के गरीब जनता का पैसा बंदरबांट किया जाता है। और
दूसरे जगह के स्टाफ के अकाउंट में 1.5 साल से लगातार पैसा जा रहा है और नगर निगम को जानकारी तक नहीं है सारा इस मामले को यहाँ के स्टाफ मिलकर के निपापोती करने के लिए। इसलिए हम लोग बाहर के कमेटी से निगरानी समिति से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। नगर आयुक्त द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? नगर आयुक्त ने 2 दिन का समय मांगा है, 2 दिन का हम लोगों ने समय दिया है, 2 दिन में वो बोले हैं जांच कर 1 दिन का उसके बाद जो होगा ऊपर पत्राचार कर करके वो हम लोग को बताएंगे। परिचय मोहम्मद उमर चौहान वार्ड 27। भागलपुर नगर निगम को हम लोग दूसरा सृजन घोटाला के रूप में नहीं जानने देंगे। जिस तरह से पेपर के माध्यम से और साकुंड निवासी अनिल कुमार ताती जी के द्वारा जो आवेदन दिया गया उससे स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के खाते में नगर निगम से पैसा स्थानांतरण किया जा रहा है जिनका सरोकार नगर निगम से नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लूट की साजिश रची जा रही है जो कि अभी भागलपुर नगर निगम एक बड़े घोटाले की ओर कदम रख रहा है। इसमें जो भी कर्मचारी दोषी हैं हम लोगों ने आज नगर आयुक्त से मिलकर मांग की है कि उस पर जल्द से जल्द जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। इसी सिलसिले में हम लोग आज प्रमंडलीय आयुक्त से मिलेंगे, जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे को पत्र के माध्यम से जानकारी देंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे लेकिन जो भी दोषी हो इस तरह से पैसा के बंदरबांट होने नहीं देंगे। कर्मचारी चिन्हित है जो इस शाखा से जुड़े हुए हैं तो यह जांच का विषय है कि किस मद से स्वास्थ्य शाखा के मद से या जलकल शाखा के मद से पैसा गया है यह जांच का विषय है। हम लोग उसी जांच चाह रहे हैं। जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो क्या कीजिएगा? हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। हम लोग को टाइम दिया गया है, हम लोग 1 दिन का टाइम मिला है नगर आयुक्त महोदय पे। 1 दिन के बाद अगर सकारात्मक कार्रवाई इन लोग के तरफ से नहीं की गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन निश्चित। परिचय पंकज कुमार दास वार्ड 66। जी सभी पार्षद आपके पास फरियाद लेकर आए थे, क्या मामला है सर? अभी सभी सम्मानित पार्षद लोग कुछ लोग आए हुए थे तो कुछ मजदूरी भुगतान संबंधी विसंगति थी उसी क्रम में अपना आवेदन दिए तो उस आवेदन में संज्ञान में आया तो उसको हम भी अपने कार्यालय संहिता से अध्ययन करके देखते हैं क्या सच्चाई है अगर गलती होगी तो उसको कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में वो लोग आए। नगर निगम के सर पैसा अन्य खाते में जा रहा है जो नगर निगम के कर्मचारी हैं भी नहीं, ये मामला ज़्यादा संगीन होते जा रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? नगर निगम की कर्मी अभी वर्तमान में मजदूर के रूप में हम लोग काम करवाते हैं और वो मजदूर के रूप में ही उनके वेतन सैलरी या मानदेय का भुगतान किया जाता है। अभी संज्ञान में आया है जो वो नगर निगम क्षेत्र से बाहर काम करते हैं इसी का पता हम जानकारी लेते हैं। अभी संज्ञान में आया है इसकी पूर्णतः जानकारी लेने के बाद ही उस पर जो अधिनियम संगत कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।